दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे आयरफ जी के शेयर को। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल शाम को आपको बताया गया था कि देखो अभी आयरफ जी मोमेंटम बाकी है। एंड जैसा कि आज आपने देखा कि भाई आयरफ जी ने एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट किया, जो कि ऑल राउंड यहाँ पे 229 रुपए का नजर आ रहा है। देखो तेजी अभी बाकी है, आयरफ जी नहीं भागा है, इनकोन भी लगभग भाग चुका है। आपका जो आरवीएल था उसमें भी अच्छी तेजी दिखाई, ऑल राउंड पिछले एक मंथ में 60-70% का मूवमेंट बन चुका है। बट आयरफ जी अभी आपका रडार पे है, जो ऑपरेटर है उसको आसानी से नहीं छोड़ेगा। एंड जो आपको लास्ट मोमेंट में जो वोलेटिलिटी नजर आई, जो आपके आज के लो देखने को मिल रहे हैं अराउंड 214 रुपए की, इसके पीछे बड़ी वजह है, बड़ा अपडेट अभी के टाइम कंपनी को रिलेटेड। दोस्तों अराउंड जो ब्लड डील है उसके आंकड़े अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं, तो पूरा अपडेट आपको बताएंगे, उससे पहले डाटा समझते हैं, ये देखेंगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि अभी के टाइम आपको बताया कहीं लोगों ने नई बाइंग करी जो कि अराउंड 220 रुपए प्लस है। एंड यहाँ पे उनको अभी क्या रहना चाहिए, टारगेट जो यहाँ पे हमारे 265 रुपए के ब्रोकरेज के भी टारगेट है, वो कितना टाइम में अच्छे होंगे एंड यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन हमारा सही रहेगा अभी के टाइम, वो हम स्टॉक के डाटा के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। मेन चीज आज आपने देखा कि नया हाई लगा एंड करंट टाइम पे स्टॉक में हल्की सी पॉजिटिव तेजी है। एंड जो मेन चीज यहाँ पे स्टॉक की वॉल्यूम आज अच्छी खासी वॉल्यूम नजर आई, 3712 करोड़ के आसपास के अच्छे ट्रांजेक्शन अभी के टाइम, एंड जो 1672 करोड़ की टोटल वॉल्यूम रही। एंड इसमें से अगर डिलीवरी वगैरह का डाटा अपन कार्ड निकाल दें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5 करोड़ के आसपास शेयर आज में यहाँ पे डिलीवरी में नजर आई, जो कि ऑलराउंड 34-35% के आसपास की डिलीवरी भी के टाइम देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ये आपके 15 करोड़ शेयरों में से ही है यहाँ पे। तो कम से कम मान के चलो कि आज स्टॉक में हमें अराउंड यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास की टोटल डिलीवरी रहेगी, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखें तो भाई 1200 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पे आज में डिलीवरी में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ प्लस है, बट अपन मान सकते मैक्सिमम 1200 करोड़ मान सकते हैं। तो इतना आज इन्वेस्टमेंट किया गया है, नई बाइंग आई है, तो आप समझ सकते हो कि टॉप लेवल पे अगर इतनी अच्छी बाइंग आ रही है तो आगे और मोमेंटम यहाँ पे डेफिनेटली बनने वाला है। 14,000 के आसपास अभी के टाइम एमओ में हमें बाइंग ऑर्डर में शेयर देखने को मिल रहे हैं। एंड वही डाटा की बात की जाए दोस्तों, तो अभी के टाइम आप देखोगे तो डाटा पॉजिटिव और जो आपका PA 644 का PE के टाइम देखने को मिल रहा है। एंड जो इंट्राडे चार्ट में आपने देखा दोस्तों कि ओपन अच्छे तरीके से हुआ, तेजी भी नजर आई, उसके बाद टोटल स्टॉक ने वोलेटिलिटी दिखाई एंड डाउन ट्रेंड स्टॉक ने ऊपर अपने हायर लेवल से यहाँ पे स्टार्ट किया। एंड देख सकते हैं किस लेवल पे भी के टाइम देखने को मिल रहा है। अब देखो अपडेट क्या है, अपडेट चेक कर लेते हैं एक बार, आज अपडेट क्या देखने को मिला इसकी वजह से जो ये प्रेशर में देखने को। देखिए दोस्तों यहाँ पे इरेडा के सहित IRFC समेत यहाँ पे चार कंपनियां हैं जिनमें यहाँ पे करोड़ों शेयरों की ब्लैक डील देखने को मिली है। अब बात करते हैं IRFC का डाटा, क्या IRFC में आज क्या हुआ है। तो देखिए IRFC जो यहाँ पे आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी आई है, शेयर अराउंड मॉर्निंग की बात है, 221 रुपए के आसपास देखने को मिला। लॉन्च ट्रेड की कुल वैल्यू अगर देखा जाए तो 197 करोड़ के आसपास की रही थी, बट अगर देखें मार्केट की कुल वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो 88.24 शेयरों में यहाँ पे सौदा होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट देखा जाए दोस्तों तो 197 जो करोड़ है, करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग रही एंड 88 लाख के आसपास शेयर में यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये आज का डाटा रहा है एंड यहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिली है। एंड IRFC के आसपास दोस्तों अगर देखा जाए तो चार कंपनी शेयर है जिनमें हमें ये डील होते हुए नजर आई है, जिसमें आप देख सकते हो आपकी कौन कौन सी कंपनी है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी रही है। अब जैसा कि मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे की डाटा की, डाटा आगे क्या होगा, IRFC का शेयर किधर जाएगा। देखिए रिटर्न की पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है पिछले 5 दिन के अगर रिटर्न का आंकड़ा उठा के देखें स्टॉक का, तो कुछ ज्यादा रिटर्न अभी के टाइम हमें बनता हुआ देखने को नहीं मिला। पिछले देखिए अगर 6 मंथ में देखोगे तो उसमें भी कोई इतना रिटर्न नहीं है एंड पिछले 5 दिन में 5% के आसपास भागा है। 6 मंथ में अच्छा रिटर्न बना, बट वो जिस प्रकार IRFC का पुराना इतिहास है कि भाई 6 मंथ में तो लगभग ये डबल हो जाता है, वो एक बड़ा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जो रिटर्न बना है ये आप देख सकते हो इस रेंज में यहाँ पे हमें इतना सा बनता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए इतना सा स्टॉक भागा के टाइम। एंड जो पिछला 1 महीना वो स्टॉक के लिए अच्छा बीता है, पिछले 1 महीने में 24% के आसपास के अच्छे रिटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला है। एंड बात करें दोस्तों देखिए अगर आपकी अदर रेलवे शेयरों को देखोगे तो आज हमें सब में वोलेटिलिटी नजर आई, बट आपका जो जो IRFC है नया हाई क्रिएट करके अराउंड 217 रुपए के आसपास से मैं आज यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। आरएनएल में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, वही अगर इनकोन की बात करें तो इनकोन में भी आप देख सकते हो दोस्तों ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, 335 रुपए के आसपास शेयर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एंड जो गवर्नमेंट वाले शेयर थे दोस्तों आज सभी हमें यहाँ पे थोड़े से वोलेटिलिटी में देखने को मिले। IRFC का आंकड़ा बताऊं तो भाई IRFC बड़े मोमेंटम की तैयारी में, आज का डाटा बहुत पॉजिटिव रहा है और जिसने भी बाई किया है यहाँ पे 6 लाख के आसपास शेयर वो भी प्रॉफिट ही करके जाएगा, ना कि यहाँ पे
लूज करके जाएगा। 77 का करंटली दोस्तों आपका स्टॉक का जो आरएसआई है वो चल रहा है, कोई और देखो ये ओल्ड बॉडी स्किप है, बट आरएसआई का जो यहाँ आईआरएफसी है इसका अब जो आरएसआई और बॉडी रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप चार्ट को ठीक से समझोगे तो एक लंबा कंसोलिडेट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अब कंसोलिडेट के बाद जस्ट एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट वगैरह सब कर चुका है, नया हाई आज लग चुका है। एंड यहाँ से अगर आज पॉजिटिव क्लोज होता मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर स्टॉक ने नए हाई पे क्लोजिंग होती 220 रुपए के आसपास की तो वो बेटर रहती, बट फिर भी अगर देखें तो दोस्तों आज वोलेटिलिटी रही है, वॉल्यूम अच्छी आई है एंड स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम देखिए यहाँ पे अच्छी तेजी कवर करी है। ऑलमोस्ट लग रहा है कि दोस्तों जल्दी हमें जैसे कि आया जो आईएफसी के पैटर्न जो इतिहास रहता है आईएफसी का उसके अकॉर्डिंग आईएफसी यहाँ हमें फिर से वैसे ही तेजी दिखाता हुआ नजर आया। बट अगर आप देखें आज का डाटा तो दोस्तों कल से वॉल्यूम कम है एंड उसके 2 दिन पहले भी देखो कि एक बार बीच में सेलिंग नजर आई थी, वो सेलिंग आज फिर हमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्की से देखने को मिली है, तो ये कोई नेगेटिव नहीं है। बट दोस्तों चार्ट के अकॉर्डिंग देखो अभी के टाइम कोई भी आईएफसी में बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है एंड जैसा कि स्टॉक में पहले देखने को मिलती थी बड़ा बाउंस आता था वो बाउंस अभी बाकी है एंड लग रहा है कि जल्दी ही वो बाउंस हमें यहाँ पे कवर होता हुआ नजर आएगा। चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि चार्ट में स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक में अभी जैसा कि चार्ट देखोगे जैसे चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनेंगे बड़ी तेजी का फुल संकेत देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।